फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मितेश आसनानी है। आज मैं अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के लिए छोटा सा बट वेरी इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। यस, मेडिसिन्स आर वेरी कॉमन। द मेडिसिन नेम इज एकोनाइट एंड बेलाडोना। यस, ये वेरी फेमिलियर मेडिसिन होगी आपके लिए, मगर ये एक्यूट इमरजेंसी में मोस्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं। यस, तो आज ये लेक्चर में मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करूँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे वो एक्यूट इमरजेंसी में हेल्पफुल हो सकती है। यस, मेरे फ्रेंड्स कई बार मेरे साथ कहते हैं कि भाई होम्योपैथी एक्यूट में काम करती है। यस, बेस्ट काम करती है, मगर आपका नॉलेज साउंड होना चाहिए। एकोनाइट और बेलाडोना का मेन, पहले तो मैं बताऊंगा कॉजेटिव फैक्टर। यस, एकोनाइट में कॉजेटिव फैक्टर है फियर एज वेल एज एंग्जाइटी एज वेल एज एक्सपोजर टू कोल्ड विंड एंड थर्ड कॉज आई कैन से इज एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर बाथ। यस, ये तीन कॉजेटिव फैक्टर मिलते हैं और एनी कंप्लेंट दैट अकर्स सडन एंड वायलेंट देन यू शुड गो फॉर एकोनाइट नेफेलस। यस, और उसी साइड दूसरी जो दवाई है उसका नाम है बेलाडोना। यस, बेलाडोना में कॉजेटिव फैक्टर्स आर यस एंगर मतलब गुस्सा, कोल्ड वाटर कंजप्शन एंड कोल्ड फूड कंजप्शन। ठंडा आइसक्रीम या ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो तकलीफ होती है उसमें हमको बेलाडोना वेरी यूजफुल मेडिसिन। यस, सेकंड मेन डिफरेंस आई कैन से इज हेडेक। यस, बेलाडोना में रश ऑफ ब्लड टू ब्रेन वेरी फास्ट होता है, सो हेडेक इज कॉमन। एकोनाइट में हेडेक कम है, पिक्यूलैरिटी में कम। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज बर्निंग। यस, एकोनाइट में बर्निंग कहीं पे भी मार्क्ड नहीं है, वाइल इन बेलाडोना बर्निंग इज वेरी वेल मार्क्ड इन बेलाडोना। यस, तो फ्रेंड्स थोड़े केस में डिस्कस करूँ कि बॉयल है पेशेंट को और फीवर है तो यस यू शुड गो फॉर बेलाडोना। मगर वही चीज़, फीवर 103 है या 102 है या 101 है और पेशेंट को हवा लगी है, जर्नी की है, हवा लगी है और फीवर है तो यू शुड गो फॉर एकोनाइट। यस, सेकंड थिंग, फायरी रेडनेस इज मार्क्ड इन बेलाडोना। फायरी रेडनेस आपको टॉन्सिल में दिखता है या फायरी रेड बॉयल दिखता है या कोई भी कंडीशन में इन्फ्लामेटरी फर्स्ट स्टेज में यू शुड गो फॉर बेलाडोना। इन्फ्लामेटरी कंप्लेंट्स में एकोनाइट का रोल बहुत कम है। तो दोस्तों ये था डिफरेंस बिटवीन एकोनाइट एंड बेलाडोना। फिर से एक बात बोलूँ कि फीवर में कैसे काम करती है। तो फीवर पेशेंट को 102 है और पेशेंट को डर लग गया है, अभी कोई भी रीजन से डर है तो यू शुड गो फॉर एकोनाइट। और वही चीज़ पेशेंट की किसी के साथ फाइट हुई है और पेशेंट को गुस्सा करने के बाद फीवर आया तो यू शुड गो फॉर बेलाडोना। ठंडी हवा लगी है तो यू शुड गो फॉर एकोनाइट। ठंडा पानी पिया है तो यू शुड गो फॉर बेलाडोना। गुस्सा किया है तो बेलाडोना है, फीवर है तो एकोनाइट है। तो दोस्तों ये वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एकोनाइट एंड बेलाडोना, बट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन प्रॉपर होगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था नॉलेज अबाउट एकोनाइट वर्सेस बेलाडोना। थैंक यू।